क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक हमने शुरू किया था रिएक्शन मैकेनिज्म, और जिसका पार्ट नंबर दो हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने सबसे पहले सिलेबस की बात की थी। किसकी बात की थी? सिलेबस की, और टोटल बुक जो होती है उनकी बात की थी। और उसके बाद में हमने क्या किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड नंबर जो चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको हमने शुरू किया था। और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था बंद विखंडन। क्या था? बंद विखंडन, या फिर हम उसको बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोल सकते हैं हम? बॉन्ड फ्यूजन। जो बॉन्ड फ्यूजन या बंद विखंडन था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले आता है समास बंद विखंडन, समास बंद विखंडन, और दूसरा आता है बिस्मास बंद विखंडन। दूसरा कौन सा है? बिस्मास बंद विखंडन। तो समास बंद विखंडन के अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजन किया, और बिस्मास बंद विखंडन के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से विभाजन करते हैं। तो सहसंयोजी बंद के इलेक्ट्रॉनों का जब समान रूप से विभाजन होता है तो उसको बोला जाता है समास बंद विखंडन। और अगर सहसंयोजी बंद के इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से विभाजन होता है तो उसको बोला जाता है बिस्मास बंद विखंडन। जैसे समास बंद विखंडन के अंदर अपने ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है, बीच में से अपने इस बंद को तोड़ेंगे और तोड़ने के पश्चात इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे? मुक्त मूलक, या फिर क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक और फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। उसके बाद में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का जब असमान रूप से विभाजन का मतलब है कि जब किसी भी कार्बन के साथ अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणता की तरफ। तो इसीलिए जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन्स, यानी कि कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा। मान लो इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे, और कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार कार्बोएनाइन का निर्माण हो जाएगा। तो जब भी हम किसी सहसंयोजी बंध को तोड़ेंगे तो या तो फ्री रेडिकल का निर्माण होगा, या कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, या फिर कार्बोएनाइन का निर्माण होगा, इसके अलावा किसी का निर्माण नहीं होगा। और जो विखंडन होगा वो दो ही प्रकार का होगा, समास बंद विखंडन और बिस्मास बंद विखंडन। समास बंद विखंडन से हमेशा ही फ्री रेडिकल बनेगा, और बिस्मास बंद विखंडन से हमेशा ही कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन बनेगा। तो इस तरीके से जो बंद विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब हमारे पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, हमारे पास कार्बोकेटाइन आ गया और कार्बोएनाइन आ गया। तो अब हमारे पास तीन टॉपिक बन गए, एक नंबर टॉपिक फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, दो नंबर कार्बोकेटाइन और तीन नंबर। अब हम जो शुरू करेंगे वो किसको शुरू करेंगे, फ्री रेडिकल को, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आपको बंद को तोड़ना पता नहीं होगा या तोड़ोगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि फ्री रेडिकल कैसे बना है, कार्बोकेटाइन कैसे बना है और कार्बोएनाइन कैसे बना है। जब आपने बंद को तोड़ा तब आपको पता चला कि फ्री रेडिकल कैसे बना है, कार्बोकेटाइन कैसे बना है और कार्बोएनाइन कैसे बना है, ठीक है। इसके बाद में हम इसी को लेकर चलेंगे कि मुक्त मूलक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वही चीज़ें हम इनकी करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी को बंद को तोड़ करके सीख सकते हैं।
हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की दिखता है और कौन से कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अगर दिखता है तो उसके साथ में क्या आकर जुड़ेगा, या कमी है तो उसके साथ क्या आकर जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की दिखता है तो उस पर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके साथ में हमेशा इलेक्ट्रॉन कमी वाला आकर जुड़ता है। और इलेक्ट्रॉन कमी वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन कमी वाला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसके साथ में हमेशा ही इलेक्ट्रॉनों की दिखता वाला आकर जुड़ता है। तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि नाभिक स्नायु और इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में हम रिएक्शन मैकेनिज्म या अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की बात करने से पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। उनको करने के बाद में हम किसी भी रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये कौन सी क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हुई है। हम उसकी क्रियाविधि निकाल सकते हैं, हम उसका मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये समासबंध विखंडन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमारे पास तीन टॉपिक आ गए और हम एक दूसरे से जुड़े टॉपिक को लेंगे और जिस टॉपिक को करेंगे उसी से एक नया टॉपिक निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास में तीन टॉपिक आ चुके हैं। यहाँ पर एक आ गया मुक्त मूलक, क्या आ गया, मुक्त मूलक, या फिर इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक है। और दूसरा आ गया कार्बोकेटाइन या कार्बोधनायन बोल सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा ही प्योर हिंदी में पढ़ना चाहिए तो। बाकी इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आगे एम एस इंग्लिश में होती है। और कार्बो रिनाइन बोल सकते हो आप, या ये होगा कार्बो एनाइन, क्या हो जाएगा, कार्बो एनाइन। इस प्रकार इन तो तीनों टॉपिक के अंदर हम इनको बनाते कैसे हैं या फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या होता है, वो सब करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो कौन आता है, फ्री रेडिकल। कौन आता है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल को बनाने की बात करें तो बनाने की विधि के अंदर क्या करते हैं अपने, कोई भी समान विद्युत ऋणी है और समान विद्युत ऋणी के जो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उनका समान रूप से विभाजन होता है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल है वो किससे बनता है, समास बंध विखंडन से बनता है। किससे बनता है, समास बंध विखंडन से। अभी बात करके आए हैं, जैसे हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग थी, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का समान रूप से विभाजन कराया था और हमने क्या बनाया था, फ्री रेडिकल बनाया था। क्या बनाया था, फ्री रेडिकल बनाया था। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो, परोक्साइड हो और उसका ये बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो समान होती है तो आर ओ फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो ये भी क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि फ्री रेडिकल बनता कैसे है, जब समान प्रकार के कार्बन परमाणु या समान प्रकार का कोई भी परमाणु हो या समान विद्युत ऋणी परमाणु हो और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजी बंध होता है, उसको तोड़ने के लिए। अब देखो ये परोक्साइड है इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, परोक्साइड बॉन्ड है, और इनको तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में इसकी जो कुछ जनरल करेक्टर हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। पहली बात तो ये है कि फ्री रेडिकल बन रहा है तो टोटल इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो चार छः हो गए और एक क्या हो गए, सात। इसके पास टोटल क्या है, सात इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका जो संकरण है वो क्या है, sp2 है, ठीक है। और जो फ्री रेडिकल होता है उसको CH3 फ्री रेडिकल से या फिर R फ्री रेडिकल से या फिर इस तरीके से फ्री रेडिकल के रूप में इसको शो करते हैं। और फिर इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है
कि संरचना कैसी होती है फ्री रेडिकल की, तो जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये 1s2, 2s2 और 2p2, 2, 4 और 6 इस फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए कार्बन के अंदर 1s2, 2s1 ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, और ये जो बी कक्षक है 2px, 2py1 और 2pz इस फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर ये भाग लेंगे, तो इसलिए इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ में 3 बॉन्डिंग बनी हुई है, RR जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है, आगे बात समझ में। और एक जो फ्री रेडिकल के रूप में है वो पी कक्षक यहाँ प्रेजेंट है, और उसके पास में एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। कहने का मतलब है 2, 4, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। भी मैंने यही कहा है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री रेडिकल को समास बंध विखंडन से बनाया जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, संकरण S2 होता है, वो मैंने निकाल कर बता दिया आपको। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इस तरीके से डिवाइड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में चला जाएगा, ये जनरल स्टेट हो गई इसकी, और ये क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर की बात करने के पश्चात हम बात करते हैं फ्री रेडिकल कितने प्रकार का होता है। तो आता है टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, क्या आता है, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। पहला आता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्या आता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, या फिर अपने बोल सकते हैं प्राथमिक मुक्त मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास CH3 और CH2 और इस पर फ्री रेडिकल हो, तो इसको 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सीधी सी सिंपल सी बात है कि जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके साथ में एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखने वाली बात ये बताती हूँ, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, सबके लिए हम 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, वो बाद में बताती हूँ, पहले इनकी 3 टाइप पढ़ लेते हैं अपने, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी ईजी ट्रिक है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल होता है उसकी हम बात करें तो वो इस तरीके से शो किया जाता है, इस कार्बन फ्री रेडिकल वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, इस तरीके से शो करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है टर्सरी फ्री रेडिकल, क्या होता है, टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल होता है उसके साथ में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कार्बन के साथ में फ्री रेडिकल, कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, और 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री होगा। लेकिन मेरी ट्रिक ये है कि इधर कुछ भी जुड़ा हो तो अगर फ्री रेडिकल CH2 फॉर्म पर है तो वो हमेशा ही 1 डिग्री होगा, और CH फॉर्म पर है तो 2 डिग्री होगा, और C पर है तो 3 डिग्री होगा। बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा पहचान करने में आसानी होती है इससे, इस चीज़ में और उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है उसको किसी भी तरीके से कर लो, चीज़ एक ही आती है, उसको हम बदल नहीं सकते कि किस रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसको नहीं बदल सकते हम, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए हमारे पास में ऐसे हो CH3 CCH3 और CH3 और यहाँ पे CH2 और CH3, ये फ्री रेडिकल दिया हो। अब देखो
अब मेरी वाली ट्रिक को छोड़ो, इसके हिसाब से करोगे आप तो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ, एक एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, मान लो एक ही बात है, कार्बन बोलो या एल्किल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री होगा उस हिसाब से। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते ही इसको 3 डिग्री बना देंगे और वहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो स्टेबिलिटी के क्रम के हिसाब से आता है। यानी कि आपको कई फ्री रेडिकल दे देंगे और उसकी स्टेबिलिटी के क्रम में व्यवस्थित करो, ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन तो वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये ध्यान नहीं करते कि इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, वो इसको देखते ही क्या करेंगे, सी सी है, चलो ये 3 डिग्री होगा, ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन आप इस हिसाब से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आपको कोई कार्बन नहीं देखना, क्या कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं, कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ CH2 देखना है। भी फ्री रेडिकल किस पे है, CH2 पर है तो 2 डिग्री होगा, फ्री रेडिकल C पर है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, फ्री रेडिकल CH2 पर है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। और उसके हिसाब से जब हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना आ जाएगा तो हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा सकते हैं उनको कि किसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम फ्री रेडिकल को बना सकते हैं। समास बंध विखंडन द्वारा बनाया हमने, 7 इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होते हैं, संकरण sp2 होता है, इसको बिंदु के रूप में शो किया जाता है। और जो फ्री रेडिकल है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल, जब CH2 पर फ्री रेडिकल हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जब CH2 पर फ्री रेडिकल हो तो सेकेंडरी, और जब C पर फ्री रेडिकल हो तो टर्शरी होता है। तो इस प्रकार हमारा जो टाइप ऑफ फ्री रेडिकल टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब सिर्फ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बची है, वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।